ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज प्रोसेस स्टेट्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास प्रोसेस के कौन कौन से जो है वो प्रेजेंट स्टेट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस क्या है? कोई भी प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूशन, जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो हम उसको क्या कह रहे होते हैं कि वो एक प्रोसेस है। हम डिफरेंट स्टेट्स देखेंगे और उसकी लाइफ साइकिल देखेंगे कि किस तरीके से हमारे पास एक प्रोसेस जो है वो डिफरेंट स्टेट्स को पास ऑन करके एंड तक पहुंचता है। So we have different states. The name of states are new state, आवाज आ रही है अब्दुल्ला जी? मिस ओके, सो वी हैव डिफरेंट स्टेट्स ऑफ प्रोसेस। द फर्स्ट स्टेट इज न्यू, रेडी, रन, सस्पेंड रेडी, वेट ब्लॉक, सस्पेंड वेट एंड टर्मिनेट। सो वन बाय वन हम देखेंगे कि किस तरीके से एक प्रोसेस जो है वो डिफरेंट फेसेस को थ्रू करता है। सो फर्स्ट वन इज न्यू स्टेट। A process can be defined as a program in execution. जो भी प्रोग्राम आपके पास एग्जीक्यूट हो रहा होता है हम उसको कह रहे होते हैं कि वो एक प्रोसेस है। जब उसको सीपीयू का टाइम मिलता है और वो सीपीयू के उस एलोकेटेड टाइम में रन हो रहा होता है, प्रोसेस हो रहा होता है, तो हम उसको कह रहे होते हैं कि ये क्या है, एक प्रोसेस है। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज न्यू स्टेट। न्यू स्टेट किस तरीके से वर्क करेगा? अ प्रोसेस टू बी इज सेड टू बी इन न्यू स्टेट व्हेन अ प्रोग्राम प्रेजेंट इन द सेकेंडरी मेमोरी इज इनिशिएटेड फॉर एग्जीक्यूशन। आपका प्रोग्राम सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर है, नाउ आप उस प्रोसेस को, उस प्रोग्राम को रेडी कर रहे हैं इन एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, सो जब आपको प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के लिए स्टार्ट हो रहा है तो आप कौन से स्टेट में होगा? न्यू स्टेट। A process is said to be new state when a program present in the secondary memory is initiated for execution. जब आपके पास program secondary memory में store है, अब आप उस program को initiated करते हैं execution के लिए, यानी कि now it's ready for execute. New state में means आपके पास new process है जिसको अब आपने execute करना है। Then new के बाद जो next phase है that is ready phase. जब आपने program को initiate कर दिया, जब आप उसको रेडी स्टेट में लाएंगे, सो रेडी स्टेट आप प्रोसेस मूव फ्रॉम न्यू स्टेट टू रेडी स्टेट। जब आपका प्रोग्राम न्यू स्टेट से निकलकर रेडी स्टेट में आ जाएगा, नाउ इट्स रेडी फॉर रन। आफ्टर इट इज लोडेड इनटू द मेन मेमोरी एंड इज रेडी फॉर एग्जीक्यूशन। सेकेंडरी मेमोरी से निकाल के अब प्रोग्राम आपने कहाँ लोड कर दिया? मेन मेमोरी में। अब आपके पास मेन मेमोरी से क्लास शेयरिंग हो रही है। ठीक है, जब आपके पास प्रोग्राम सेकेंडरी मेमोरी, अपना माइक बंद करो। ओके क्लास कंटिन्यू करते हैं दोबारा। ठीक है, जब आपके पास आपका प्रोग्राम जो है, आप प्रोसेस जो है आपके पास क्या होगा? न्यू स्टेट में होगा जब आपके पास प्रोग्राम सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर है एंड इज इनिशिएटेड फॉर एग्जीक्यूशन। सो उसका कौन सा स्टेट होगा? न्यू स्टेट। देन आप क्या करेंगे? प्रोग्राम को सेकेंडरी मेमोरी से लोड करेंगे मेन मेमोरी में एंड नाउ इट्स रेडी फॉर एग्जीक्यूशन। सो जब वो आपके पास लोड हो जाएगा सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में, तो उसका स्टेट क्या होगा आपके पास? रेडी स्टेट। इट मींस नाउ इट्स रेडी फॉर एग्जीक्यूशन। इन रेडी स्टेट द प्रोसेस वेट्स फॉर इट एग्जीक्यूशन बाय द प्रोसेसर। अब ये रेडी स्टेट में आ गया, अब ये वेट करेगा प्रोसेसर का कि प्रोसेसर इसको कब डायरेक्ट करेगा कि इसको प्रोसेसर का टाइम एलोकेट होगा। सो अभी ये रेडी स्टेट में रहेगा आपका प्रोसेस जब तक आपका प्रोसेसर इसको, प्रोसेसर के जो टाइम है वो एलोकेट नहीं करेगा, जब तक ये रेडी स्टेट में रहेगा। In multi-programming environment, many processes may be present in the ready state. Similar,
मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट मींस मल्टीपल प्रोग्राम्स एट अ टाइम रन हो सकते हैं मींस सीपीयू के प्रोसेसर के टाइम को शेयर कर सकते हैं. सो मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में आपके पास क्या होगा कि बहुत सारे प्रोसेसेस रेडी स्टेट में वेट कर रहे होंगे. जैसे ही सीपीयू उनको डायरेक्ट करेगा, एलोकेट करेगा सीपीयू के स्टोर जो लोकेशन है, टाइम है, तो फिर वो स्टेट आपके पास प्रोग्राम रेडी स्टेट से कहाँ चला जाएगा, रन स्टेट से. A process move from ready state to run state after it is assigned the CPU for execution. जैसे आपका operating system किसी भी एक program को, किसी भी एक process को जो ready state में उसको assign कर देगा CPU का time, so फिर वो आपके पास process है वो ready state से कहाँ चला जाएगा, run state में. It means now your program is running. Then the next state will be terminate state. A process will move from run state to terminate state after its execution is completed. जैसे आपके पास process complete हो जाएगा, running state पर है, running state पे उसकी processing complete हो गई, सारे tasks complete हो गए, उसके बाद आपका जो program है, process है, वो run state से कहाँ move कर जाएगा, terminate state पे, जब उसकी सारी execution complete हो जाएगी. After entering the terminate state, context PCP of the process is deleted by the operating system. So, जो आपके पास काउंटर है प्रोग्राम का, प्रोग्राम काउंटर ब्लॉक, प्रोग्राम काउंटर ब्लॉक क्या कर रहा है, हर प्रोग्राम का काउंटर चला रहा है कि प्रोग्राम वन, प्रोग्राम टू और वो अपडेट हो रहा है. सो जैसे ही आपका एक प्रोसेस टर्मिनेटिंग स्टेट पे चला जाएगा, आपका प्रोग्राम काउंटर ब्लॉक क्या करेगा, आपके प्रोसेस को जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम से डिलीट कर देगा. इट मीन्स ये प्रोसेस कम्प्लीट हो गया, एंड हो गया, और ये टर्मिनेट कर देगा. इसको अगर हम साइकिल में देखें, सो प्रोग्राम आपके पास जब सेकेंडरी मेमोरी में होगा, सो कहाँ पे होगा, आपके पास न्यू स्टेट पर होगा. ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी से आपने लोड कर दिया मेन मेमोरी में, अब आपका प्रोग्राम कहाँ चला गया, रेडी स्टेट पे. रेडी स्टेट से कहाँ जाएगा, डिस्पैच हो जाएगा, और फिर उसके बाद स्केड्यूलिंग के थ्रू सीपीयू का टाइम एलोकेट होगा. जैसी टाइम एलोकेट होगा, आपका प्रोग्राम रनिंग स्टेट पे चला जाएगा. जैसी प्रोग्राम कम्प्लीट हो गया, कम्प्लीट होके टर्मिनेट स्टेट पे चला जाएगा. ठीक है, अब फिर नेक्स्ट स्टेट जो हमारे रिमेनिंग रहेंगे, सस्पेंड रेडी, वेट ब्लॉक एंड सस्पेंड वेट. इस पे हमारा प्रोसेस कब जाता है, हम ये डिस्कस कर लेते हैं. यहाँ तक क्लियर है, न्यू, रेडी, रन एंड टर्मिनेट, ये फोर स्टेट्स क्लियर हैं. यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है. एक दफा रिपीट कर देती हूँ, जब आपका प्रोग्राम सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर होगा आपकी हार्ड ड्राइव में, और आप उस चाह रहे हैं कि उस प्रोग्राम को रेडी करें, आप उस प्रोग्राम को रन करना चाह रहे हैं, सो वहां पे जब सेकेंडरी स्टोरेज से आप उसको कहाँ लेकर आएंगे, न्यू स्टेट पे. मीन्स एक नया प्रोग्राम है जो कि रेडी टू रन है, फिर आप उसको क्या करेंगे, सेकेंडरी मेमोरी से उठा के मेन मेमोरी में लोड कर देंगे. सो वो न्यू स्टेट से मूव करके कहाँ चला गया, रेडी स्टेट में. नाउ इट्स रेडी टू रन. अब होता क्या है कि अब आपके पास मल्टी प्रोग्राम्स हैं, इट मीन्स कि आपका मल्टीपल प्रोग्राम सीपीयू का टाइम एलोकेट होगा मल्टीपल प्रोग्राम्स को. सो रेडी स्टेट में बहुत सारे प्रोसेसेस वेट कर रहे होंगे. वेट किस चीज का कर रहे होंगे, कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उनको टाइम एलोकेट करे, स्केड्यूलिंग करे. तो जैसे ही उसकी स्केड्यूलिंग हो जाएगी, लेट से प्रोसेस वन, प्रोसेस टू, प्रोसेस थ्री आपके रेडी स्टेट में, अब से आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ने प्रायोरिटी बेस पे लेट अज्यूम के प्रोसेस टू को स्केड्यूल कर दिया, कि प्रोसेस टू की प्रायोरिटी ज्यादा है, उसको ज्यादा रिक्वायरमेंट है. सो इसी बेसिस उसने क्या किया कि रेडी स्टेट से उसको प्रोसेस को एलोकेट कर दिया सीपीयू का टाइम. तो प्रोसेस टू को रनिंग स्टेट पे आ गया. अब वो रन होगा, एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट होने के बाद जैसे उसकी कंप्लीशन हो जाएगी, टास्क कंप्लीट हो जाएगा, प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, तो ये कंप्लीट होके टर्मिनेट स्टेट पे चला जाएगा. और प्रोग्राम काउंटर ब्लॉक क्या करेगा, उसको जो है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से प्रोसेस टू को डिलीट कर देगा कि अब ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया. अब जो बाकी के रिमेनिंग स्टेट्स हैं, हम वो देख लेते हैं कि यहाँ कब कब हमारा प्रोसेस इन वाले स्टेट्स पे कब जाएगा. नेक्स्ट स्टेट जो है हमारे पास फोर है, ब्लॉक और वेट स्टेट, ये वाला. ठीक है, ये हमारे पास ब्लॉक एंड वेट स्टेट, ये हम देखते हैं कि ये हमारे पास कब जाएगा. यूजुअली होता क्या है यहाँ पे, वेट या ब्लॉक स्टेट की हम बात कर रहे हैं.
A process moves from run state to block or wait state if it requires an input-output operation or some block resource during its execution. After the IO operation gets completed or resource becomes available, the process moves to the ready state. अच्छा, अब क्या होगा? Let's say हमारे पास जो process है वो running state पर है. ठीक है, running state पे means run हो रहा है मेरा process अभी right now. ठीक है, रन स्टेट पे आते हुए इसको यहाँ पे अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन इसको इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट, लेट्स से इसको किसी हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट है. ठीक है, इसने रिक्वेस्ट सेंड कर दी. सो अब ये प्रोसेस टू जो था ये कहाँ चला गया? वेट ब्लॉक पे. क्योंकि अब जब तक इसको हो सकता है जो रिक्वेस्ट इसने जो हार्डवेयर रिक्वेस्ट किया है या जो रिसोर्स इसने रिक्वेस्ट किया वो किसी और प्रोसेस ने ऑक्यूपाई की हो, फॉर एग्जाम्पल, या जो अभी फ्री ना हो, तो फिर ये क्या करेगा? ये यही सीपीयू के टाइम पे वेट करता रहेगा. तो इससे बेटर ये कि उस प्रोसेस को, प्रोसेस टू को जिसने इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट की है, जब तक इसको रिसोर्स मिल नहीं जाती या जो इसके रिसोर्स पे इसका काम नहीं हो जाता, ये क्या करे? इसको वेटिंग इस ब्लॉक पे ले आए, वेटिंग स्टेट पे ले आए, ताकि ये सीपीयू का टाइम नेक्स्ट जो प्रोसेस है जो रेडी स्टेट पर थे उसको एलोकेट हो सके. तो सेम टाइम पे ये वाला प्रोसेस जो है वो पेंडिंग पे चला गया, मींस वेटिंग स्टेट पे चला गया जब तक इसको रिक्वेस्ट नहीं मिलती, और जो सेकंड वाला प्रोसेस है उसको भी सीपीयू का टाइम मिल जाएगा. दैट इट इज बेसिकली फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ सीपीयू टाइम, ताकि आपके पास सीपीयू का टाइम जो है वो वेस्ट ना हो. ठीक है, सो रन स्टेट से, अभी रन हो रहा है प्रोग्राम, रन होते हुए तो उसको लेट से किसी हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट हुई, सो इसने रिक्वेस्ट सेंड की हार्डवेयर की, रिक्वेस्ट यहाँ गई. अब जैसी रिक्वेस्ट यहाँ गई तो ये वेट स्टेट पे चला गया, जब तक सीपीयू का ये टाइम नेक्स्ट रिसोर्स आपके नेक्स्ट प्रोसेस के लिए अवेलेबल हो जाएगा, ताकि आपका सीपीयू का टाइम बेस्ट यूटिलाइज हो सके. इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट की तो फिर ये रन स्टेट से कहाँ चला गया प्रोग्राम? वेट या ब्लॉक स्टेट पे. जैसे ही इसको फिर आपको मिला इनपुट आउटपुट कंप्लीशन हो गई, जो रिक्वेस्ट थी कंप्लीट हो गई, रिसोर्स मिल गई, फिर ये दोबारा रेडी स्टेट पे आएगा. मतलब ये फिर से, और जो प्रोसेस सीपीयू पे रन हो रहा था जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता या आईओ रिक्वेस्ट के लिए नहीं चला जाता, जब तक फिर ये रेडी स्टेट पे वेट करेगा, क्यू में रहेगा. After the IO operation gets completed or resource becomes available, जैसे आपके IO का operation complete हो गया या जो resources को required थी वो available हो गई, the process moves to the ready state. Again ready state पे जाएगा, run पे नहीं जाएगा, क्योंकि run पे आप जब तक ये waiting state पे गया, जब तक CPU का time किसी और process को मिल गया था, तो अब ये दोबारा ready state पे जाएगा. Scheduler फिर से, जब तक इसको CPU का time schedule नहीं करेगा, ये ready state पे wait करेगा. Suspend ready state. Suspend ready state कौन सा है? ये वाला. सस्पेंड रेडी स्टेट पे कब आएगा हमारा कोई भी प्रोसेस? अ प्रोसेस मूव फ्रॉम रेडी स्टेट टू सस्पेंड रेडी स्टेट इफ अ प्रोसेस विद हायर प्रायोरिटी हैज टू बी एग्जीक्यूटेड बट द मेन मेमोरी इज फुल. आपका प्रोसेस अभी रेडी स्टेट में है, मींस अभी रन नहीं हुआ, अभी रेडी स्टेट में है, लेकिन आपने उसको सस्पेंड रेडी स्टेट पे जो है वो मूव कर दिया, क्योंकि जो आपके पास प्रोसेस जो हायर प्रायोरिटी, जो आपके पास प्रोसेस है जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, प्रायोरिटी मींस उसकी रिक्वायरमेंट, उसको सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है सीपीयू की, सो वो एग्जीक्यूटेड हो चुका है, बट आपकी मेन मेमोरी फुल हो गई है. मेन मेमोरी फुल हो गई है और जो आपका हाईएस्ट प्रायोरिटी टास्क है वो भी कम्प्लीटेड हो चुका है, बट आपकी मेन मेमोरी अभी क्या है? फुल है. इट मीन्स कि अभी रेडी स्टेट पे स्पेस नहीं है, ताकि आप, तो फिर आप क्या करेंगे उस रेडी स्टेट वाले टास्क को, जिस टास्क को आपने रन करना है, जिस प्रोसेस को आपने रन करना है, आप उसको रेडी स्टेट से सस्पेंड रेडी पे ले आएंगे. सस्पेंड पे ले आए, जैसे आपकी, आपके पास ये स्पेस फ्री होगी, फिर आप इसको सस्पेंड रेडी स्टेट से दोबारा रेडी स्टेट पे ले जाएंगे. अब प्रोसेस मूव्स फ्रॉम रन स्टेट, सॉरी हम सस्पेंड रेडी देख लेते हैं. A process move from ready state to suspend ready state if a process with higher priority has to be executed but the main memory is full. Means आपके पास main memory में space नहीं है, so आप ready state से process को कहाँ ले जाएंगे? Suspend ready state पे. Moving a process with lower priority from ready state to suspend ready state creates a room for higher priority process in the ready state. यहाँ पे होगा क्या कि जैसे आपने जो lowest priority, priority क्या है कि जिसको ज़्यादा requirement है प्रोसेसर के टाइम की,
तो जो लोएस्ट प्रायोरिटी टास्क होगा जब आप उसको रेडी स्टेट से सस्पेंड रेडी स्टेट पे ले आएंगे तो फिर आपके पास जो रेडी स्टेट वाला जो स्लॉट है वो फ्री हो जाएगी ताकि जो नेक्स्ट आपके पास हायर प्रायोरिटी प्रोसेस है वो रेडी स्टेट पे मूव कर सके। इसीलिए हम प्रोसेस को जो लोएस्ट जिसकी प्रायोरिटी कम है तो हम उसको रेडी स्टेट से जो है सस्पेंड रेडी स्टेट पे मूव कर देते हैं ताकि वो जो रेडी वाली स्पेस है वो नेक्स्ट हाई प्रायोरिटी टास्क के लिए अवेलेबल हो जाए। The process remains in the suspend ready state until the main memory becomes available. अभी आपका process जो है जो आपने ready state से suspend ready पे ले गए वो जब तक main memory में नहीं आएगा जब तक आपकी main memory available नहीं होगी वो वहीं उसी suspend ready state पे रहेगा। When main memory becomes available, the process is brought back to the ready state. जैसे आपकी main memory available हो जाएगी मतलब जो आपके highest priority task है वो free हो जाएगा complete हो जाएगा तो आपकी main memory क्या हो जाएगी फ्री हो जाएगी अवेलेबल हो जाएगी सो जो सस्पेंड रेडी वाला टास्क है वो दोबारा रेडी स्टेट पे मूव हो जाएगा। अब हमारे पास रह गया लास्ट स्टेट। लास्ट स्टेट कौन सा है? सस्पेंड एंड वेट। सस्पेंड वेट स्टेट। अ प्रोसेस मूव फ्रॉम वेट स्टेट टू सस्पेंड वेट स्टेट इफ अ प्रोसेस विद हायर प्रायोरिटी हैज टू बी एग्जीक्यूटेड बट द मेन मेमोरी इज फुल। Moving a process with lower priority from wait state to suspend wait state creates a room for higher priority process in the ready state. After the resource becomes available, the process is moved to the suspend ready state. After the main memory becomes available, the process is moved to the ready state. ठीक है यहाँ पे भी क्या होगा हमारे पास suspend wait. ठीक है सिमिलरली जैसे हम रेडी स्टेट से सस्पेंड रेडी पे आते हैं इसी तरह हम वेट ब्लॉक से सस्पेंड वेट पे चले जाएंगे। लेट से फॉर एग्जांपल हमारे पास वेट ब्लॉक पे एक प्रोसेस आया प्रोसेस वन और फिर सीपीयू का टाइम प्रोसेस टू को मिल गया। लेट से प्रोसेस टू भी वेट और ब्लॉक के लिए चला गया मतलब उसने भी एक आईओ की रिक्वेस्ट की। अब मेरे पास इस ब्लॉक में दो प्रोसेसेस आ गए एक और प्रोसेस रन हुआ इसने भी आईओ की रिक्वेस्ट की। अब यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे भी एक बहुत ज्यादा क्यू मेंटेन हो जाएगी। सो हम क्या करेंगे उनमें से जो लोएस्ट प्रायोरिटी टास्क होंगे जिनकी प्रायोरिटी कम है उनको हम सस्पेंड वेट में डाल देंगे और फिर ताकि ये वाली स्पेस फ्री हो जाए जो हायर प्रायोरिटी टास्क है उनको उनके उनकी इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट पहले फुलफिल हो जाए। जैसे उनकी इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट फुलफिल हो जाएगी ये दोबारा रेडी स्टेट पे जाएंगे और रेडी स्टेट के बाद फिर ये स्पेस फ्री हो गई। सो यहाँ से सस्पेंड वेट वाला कोई एक प्रोसेस हम फिर यहाँ ऊपर दोबारा वेट और ब्लॉक वाले स्टेट पे मूव कर देंगे। ठीक है और यहां से हमारे पास क्या है सस्पेंड वेट इनपुट आउटपुट कंप्लीट हो गया आपके पास बट स्टिल इन सस्पेंड अभी भी सस्पेंड मोड में तो फिर आप इसको यहां से यहां ले जाने के बजाय सस्पेंड रेडी में ले आएंगे ताकि फिर ये जैसे ही आपके रेडी स्पेस फ्री हो मेन मेमोरी फ्री हो तो फिर ये आप सस्पेंड से इसको दोबारा रिज्यूम कर सकें। तो यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? क्लास कोई ऐसी चीज जो समझ नहीं आ रही हो यहाँ तक? ये मैं आपको लिंक्स भी सेंड कर दूंगी और वो जो मैंने फर्स्ट लेक्चर दिया था वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगी। इम्पोर्टेंट नीड्स इम्पोर्टेंट नोट्स क्या है आपके पास? नोट वन आ प्रोसेस नेसेसरीली गोज थ्रू मिनिमम फोर स्टेट। जरूरी नहीं कि ये सारे के सारे स्टेट जो है वो फॉलो करे प्रोसेस बट एटलीस्ट ये फोर मेन जो है वो जरूर गो थ्रू करेगा। वो फोर मेन स्टेट्स कौन कौन से हैं? द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स थ्रू व्हिच अ प्रोसेस कंपलसरी गोस थ्रू इज फोर। दीज स्टेट्स आर न्यू स्टेट। न्यू स्टेट में जरूरी है जहां पे आपका प्रोसेस इंस्टेंशिएट होगा। न्यू स्टेट से रेडी स्टेट मींस नाउ इट्स रेडी फॉर एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन के लिए रेडी है। रेडी स्टेट से मूव हो गया रन स्टेट। आफ्टर रन स्टेट एग्जीक्यूट हो रहा है। एग्जीक्यूट होने के बाद टर्मिनेट हो गया। ये वो मिनिमम फोर स्टेट है दैट शुड बी एग्जीक्यूटेड। However, if a process also requires an input-output operation, अगर आप इस ट्रांजेक्शन के बीच में अगर आपका प्रोसेस इनपुट आउटपुट ऑपरेशन रिक्वायर्ड है उसको मतलब कोई हार्डवेयर रिक्वायर्ड है कोई रिसोर्स चाहिए लेट्स से प्रिंटर का काम है तो फिर मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट इज फाइव। फिर आपके पास मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट क्या हो जाएंगे? फाइव क्योंकि इसको वेटिंग स्टेट पे जाना पड़ेगा। रन स्टेट से कहाँ जाना पड़ेगा? वेट और ब्लॉक स्टेट पे जब तक उसकी नीड पूरी नहीं हो जाती। फिर उसके बाद दोबारा ये साइकिल रिपीट होगा जब तक वो प्रोसेस टर्मिनेट नहीं हो जाता। Note 2, a single processor can execute only one process at a time. एक सिंगल प्रोसेसर है मीन्स आपके पास एक ही प्रोसेसर है
वो एग्जीक्यूट कर सकता है एट अ टाइम एक ही प्रोसेस। हम ये मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टी प्रोसेसिंग कह रहे होते हैं, ये बेसिकली टाइम शेयरिंग होती है। एक ही प्रोसेसर का टाइम हम डिवाइड कर देते हैं मल्टीपल प्रोसेसेस को ऑन बेसिंग ऑफ डिफरेंट स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम। अ सिंगल प्रोसेसर कैन नॉट रन मोर देन वन प्रोसेस साइमल्टेनियसली एट अ टाइम। एक से ज्यादा प्रोसेसेस को आपका प्रोसेसर जो है वो रन नहीं कर सकता एक साथ। If n processes are present in the system, then only n processes can be executed simultaneously. अगर आपके पास n processors हैं, मतलब अगर चार processors हैं आपके पास system में, so सिर्फ चार processes ही execute हो सकते हैं simultaneously. और अगर एक processor है तो at a time एक ही process run हो। ठीक है, memory में देख लेते हैं हम। Node 3, अगर मेरे पास new state है, so वो जो आपके पास process है वो memory में कहाँ होगा? Secondary memory में। सिमिलरली अगर रेडी स्टेट में है तो कहाँ आ जाएगा? मेन मेमोरी, यानी कि आप सेकेंडरी मेमोरी से आपने उस प्रोसेस को उठा के कहाँ लोड कर दिया? मेन मेमोरी में। ये जो हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था, रन स्टेट में है तो भी मेन मेमोरी में, क्योंकि जब भी हमारे पास कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो वो मेन मेमोरी के थ्रू होता है। वेटिंग स्टेट पे चला गया, अभी भी मेन मेमोरी पे, लेकिन जैसे ही सस्पेंड वेट पे गया या सस्पेंड रेडी पे गया तो अब ये कहाँ चला गया? सेकेंडरी मेमोरी पे दोबारा चला गया। टर्मिनेट स्टेट पे हो गया तो फिर तो वो ना तो मेन मेमोरी में है ना सेकेंडरी मेमोरी। Moving a process from wait state to suspend wait state is a better alternative. ठीक है, अगर आप wait state से main memory से अपने program को suspend wait पे move कर रहे हैं, so it's a better alternative. इससे क्या होगा कि आपकी ये main memory free हो जाएगी आपके पास next priority, higher priority process के लिए। Consider a process with higher priority arrives and the main memory is full. But if अगर ये process जो है, एक process है वो wait state पे ही रहा और फिर एक नेक्स्ट प्रोसेस आया जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, अब उसको मेन मेमोरी का टाइम चाहिए, एलोकेशन चाहिए, बट मेन मेमोरी ऑलरेडी फुल है, तो आप क्या करेंगे इस सिनेरियो में? वो प्रोसेस जो वेट स्टेट पे है, मेन मेमोरी पे है, आप उसको सस्पेंड वेट स्टेट पे डाल दें ताकि ये जो मेन मेमोरी की स्पेस है ये फ्री हो सके, और अगर कोई हायर प्रायोरिटी टास्क आ रहा है तो उसको ये मेन मेमोरी की स्पेस एलोकेट हो सके। ठीक है, देन देयर आर टू मेक्स वेज टू मेक रूम फॉर इट। दो वेज आपके पास क्या है? दिस टू वेज आर मूविंग अ प्रोसेस विद लोअर प्रायोरिटी फ्रॉम रेडी स्टेट टू सस्पेंड रेडी स्टेट। जो आपके पास लोअर प्रायोरिटी टास्क है, प्रोसेस है, उसको रेडी स्टेट से आप सस्पेंड स्टेट पे ले आए। और वे टू क्या है? मूविंग अ प्रोसेस विद लोअर प्रायोरिटी फ्रॉम वेट स्टेट टू सस्पेंड वेट स्टेट। ठीक है, आपके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं। दो पॉसिबिलिटीज क्या हैं कि अगर आपके पास कोई नया टास्क प्रोसेस आ रहा है और सीपीयू का टाइम जो है वो मेन मेमोरी फुल है, तो दो आपके पास वेज हैं। क्या फर्स्ट वे क्या है कि आप रेडी स्टेट से प्रोसेस को सस्पेंड रेडी में डाल दें, या दूसरा आपके पास ऑल्टरनेटिव क्या है कि आपके पास आप रन स्टेट से प्रोसेस को, सॉरी, वेट स्टेट से सस्पेंड वेट पे डाल दें। मतलब अगर जो प्रोसेस इनपुट आउटपुट के लिए वेट कर रहा है या किसी हार्डवेयर या रिसोर्स का वेट कर रहा है, या तो उस प्रोसेस को आप सस्पेंड वेट पे डाल दें और या दूसरा आपके पास क्या है, जो रेडी स्टेट में, यानी कि जो प्रोसेस रेडी टू एग्जीक्यूट है, उनको आप सस्पेंड रेडी में डाल दें। ठीक है, यहाँ तक कोई इश्यू तो नहीं है क्लास? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई ऐसी चीज जो समझ नहीं आ रही हो या कोई कंफ्यूजन हो? नेक्स्ट क्लास जो हमारी कल है, जी मैं ये लिंक भी सेंड कर दूंगी और लेक्चर भी इंशाल्लाह। अच्छा, असाइनमेंट थ्री, असाइनमेंट टू का क्या स्टेटस है आप लोगों का? असाइनमेंट टू आज सबमिट करवाना है और LMS पे करवाना है। ठीक है, तो LMS पे असाइनमेंट टू सबमिट करवा दीजिएगा काइंडली। नेक्स्ट वीक भी क्लास है और कल भी मेकअप क्लास है, और नेक्स्ट वीक भी क्लास है और मे भी नेक्स्ट सैटरडे जो है उसमें भी क्लास हो। बेटा असाइनमेंट तो बहुत सिंपल है, और ये वो जो क्यूरीज आपने लिखनी है वो क्यूरीज किसी SQL सर्वर वगैरह पे नहीं लिखनी, वो वैसी जो क्यूरीज हमने लेक्चर में पढ़ी थी उसी के अकॉर्डिंगली बस क्यूरी का एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं।
उनको रन करके नहीं दिखाना. मेकअप क्लास इसलिए क्योंकि हमारी दो क्लासेस मिस हो चुकी हैं, सो वो दो क्लासेस जो है वो हमें 30 का सेशन पूरा करना है. अटेंडेंस में ले लेती हूँ, वन बाय वन नेम कॉल करती हूँ, और आप जो है मुझे जिस स्टूडेंट का नेम कॉल करूँ वो अपनी स्टूडेंट आईडी यहाँ चैट पे सेंड कर दें.